नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिलायंस में आज के दिन जो सॉलिड मोमेंट देखने को मिला है उसमें ऑप्शन राइटर किस तरीके से फंस गए हैं। तो ये पूरा का पूरा डिटेल में आपको ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके बताऊंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज के दिन में एकदम सॉलिड मूवमेंट रिलायंस में हो चुका है। तो ये जो मूवमेंट हो चुका है इसका मैं आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से एनालिसिस करके बताऊंगा, फिर उसके बाद न्यूज़ के हिसाब से एनालिसिस करके बताऊंगा, और फिर उसके बाद ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके बताऊंगा, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो कॉल राइटर है वो कॉल राइटर किस तरीके से बुरी तरीके से फंस चुके हैं इसमें। तो ये पूरा मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो प्राइस एक्शन में अगर आप देखोगे तो कल के दिन मैंने ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो डाला हुआ था, और वो वीडियो में मैंने क्लियर कट बता दिया था कि न्यूज़ क्या है और प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या होने वाला है। तो न्यूज़ में मैंने यहाँ पे आपको न्यूज़ दिखा दिया था, सिल्वर लेक प्लान टू इन्वेस्ट 7,500 करोड़ इन द रिलायंस रिटेल। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ था रिलायंस के लिए, तो सेंटिमेंट माहौल जो था वो पॉजिटिव बन चुका था, ये पहली बात। फिर उसके बाद मैंने प्राइस एक्शन के हिसाब से क्लियर कट एनालिसिस करके यहाँ पे बता दिया था। ये वीडियो अगर आप आगे जाके देखोगे तो यहाँ पे मैंने 2200 का लेवल ड्रॉ करके बताया था, और ये 2200 के लेवल ड्रॉ करने के पीछे का मैंने प्राइस एक्शन के हिसाब से लॉजिक भी बताया था, और मैंने यहाँ पे क्लियर कट बताया था जब ये लेवल ब्रेकआउट होगा तो बहुत बढ़िया अपसाइडेड मोमेंटम आ जाएगा जहाँ पे आपको बाय करना चाहिए, और उसका टारगेट मैंने आपको बताया था कि 200 पॉइंट का टारगेट ऊपर हो जाएगा 2400 रुपये तक, और मैंने स्विंग के हिसाब से बताया था। अभी भी वो वीडियो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, ये वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वो लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। तो ये प्योरली प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने 2400 रुपये का स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट दिया था, और अगर आज के दिन में अगर आप देखते हो तो आज के दिन में 2344.95 का, मतलब 2345 का ऑलमोस्ट आज हाई बना चुका है। तो ऑलमोस्ट अपना 75% टारगेट अभी कंप्लीट हो चुका है। अभी ये जो प्राइस एक्शन हुआ है, आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये जो मोमेंटम हुआ है, ये मोमेंटम के पीछे का रीजन क्या है। सबसे पहला रीजन है न्यूज़ जो था, वो न्यूज़ की वजह से मार्केट का सेंटिमेंट जो बन चुका था वो पॉजिटिव बन चुका था। सेकंड रीजन जो है, वो सेकंड रीजन ये है कि प्राइस एक्शन के हिसाब से जो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, ये रेजिस्टेंस लेवल मार्केट ने विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम ब्रेकआउट दे चुका था, तो ये प्राइस एक्शन सेकंड रीजन हो गया। अभी थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि यहाँ पे जो है ऑप्शन राइटर बुरी तरीके से फंस चुके थे। अभी मैं इसके पीछे का रीजन आपको बताता हूँ। ये जो 2000 का लेवल है, ये सॉरी 2200 का जो लेवल है, 2200 के लेवल के ऊपर फर्स्ट टाइम यहाँ पे ऑप्शन राइटर ने सेल किया रहेगा, सॉरी यहाँ पे कॉल राइटर ने कॉल सेल किया रहेगा, तो उसको अच्छा प्रॉफिट मिला। फिर उसके बाद दोबारा मार्केट यहाँ पे आ गया, तो दोबारा क्या रहेगा, जो कॉल राइटर थे, कॉल राइटर ने सेलिंग का पोजीशन राइटिंग किया रहेगा, उसको अच्छा प्रॉफिट मिला रहेगा। तो सेम एक्सपेक्टेशन की वजह से क्या हुआ था, 2200 में कॉल राइटिंग बहुत हेविली हो चुका था। अभी मैं आपको NSE इंडिया के वेबसाइट के ऊपर लेके जाता हूँ। अभी मैंने आपके सामने जो वेबसाइट ओपन किया हुआ है, NSE इंडिया का वेबसाइट है। NSE इंडिया के वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे मैंने रिलायंस का 24 सितंबर वाला एक्सपायरी का ऑप्शन चेन ओपन किया हुआ है, और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये आज सुबह का, मतलब 10 सितंबर का सुबह 9:53 का डेटा मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। पहले मैं आपको सुबह का डेटा दिखाता हूँ, फिर आज के क्लोजिंग का डेटा दिखाता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा कि ऑप्शन राइटर किस तरीके से बुरी तरीके से यहाँ पे फंस चुके हैं। तो यहाँ पे 9:53 पर अगर आप देखते हो तो ऑप्शन चेन में आपको क्लियर कट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो 2200 का जो लेवल है, 2200 के लेवल के ऊपर आपको क्या करना है। ऑप्शन में देखो दोस्तों, ऑप्शन में कॉल साइड ये होती है और पुट साइड एक होती है। अगर आपका एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट जो है वो मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, तो जनरली लोग क्या करते हैं, जनरली लोग कॉल बाय करते हैं। और अगर आपका एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट नीचे आने की पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे लोग पुट बाय करते हैं। लेकिन जब आपको ऐसे लगता है कि मार्केट एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे घूमने वाला है, तो वो पर्टिकुलर लेवल के ऊपर कॉल राइटिंग होता है।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है, ये 2200 का जो स्ट्राइक प्राइस है, 2200 के स्ट्राइक प्राइस में सुबह 10 बजे के करीब हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था कॉल साइड के तरफ, मतलब यहाँ पे हेविली कॉल राइट हो चुका था, क्योंकि ये लोगों का ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट जो है वो मार्केट 2200 के लेवल के नीचे ही रहेगा और यहाँ से दोबारा गिर जाएगा जैसे पहले दो बार गिर चुका है, तो इसकी वजह से हेविली कॉल राइटिंग हो चुकी थी। अगर ये ओपन इंटरेस्ट में अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा कि यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, लेकिन जैसे जैसे मार्केट बढ़ता गया आगे चलता गया ये सब के सब कॉल राइटर यहाँ पे बुरी तरीके से फंस गए। और अभी मैं क्लोजिंग के टाइम का डेटा आपको दिखाता हूँ, ये मैं NSE इंडिया के वेबसाइट के ऊपर आया हूँ, यहाँ पे मैंने पहले आपको ये जो दिखाया था ये 9:53 का डेटा था, और अभी मैं अभी जो आपको दिखा रहा हूँ ये आज की डेट में 3:30 का डेटा है। तो ये जो 9:53 का डेटा है यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि 22,000 के लेवल के ऊपर 8,450 कॉन्ट्रैक्ट राइट हुए थे, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3:30 के ऊपर आपको यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि ये जो 22,000 का स्ट्राइक प्राइस है उसमें से 50% ऑप्शन राइटर निकल चुके हैं, मतलब यहाँ पे उन्होंने अपना लॉस बुक किया हुआ है। देखो दोस्तों, ऑप्शन राइटर जो रहते हैं वो बहुत ही मंजे हुए खिलाड़ी रहते हैं मार्केट के, लेकिन उनको भी कभी कभार लॉस हो सकता है, क्योंकि ये मार्केट है, मार्केट से बड़ा कोई नहीं होता। तो यहाँ पे उन्होंने पहली बात ये की रहेगी कि अपना जो कॉल का राइट का पोजीशन है उसको उन्होंने लॉस बुक करके लिक्विडेट किया रहेगा, जिसकी वजह से अपसाइड के मोमेंटम को और फोर्स मिल गया, या फिर उन्होंने क्या किया रहेगा फ्यूचर में हेज किया रहेगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाय करके, उसकी वजह से भी और अपसाइड के मोमेंटम को फोर्स मिल गया। तो ये तीनों रीजन जब आप कंबाइन करते हो, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, उसके तीनों रीजन की वजह से ये बहुत बढ़िया वन साइडेड मोमेंटम आपको दिखाई दिया। सबसे पहला रीजन ये है कि न्यूज जो आया था वो न्यूज पॉजिटिव इम्पैक्ट करता था, मतलब मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव बन चुका था। दूसरा रीजन जो है वो प्राइस एक्शन के हिसाब से एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ने विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम ब्रेक किया था। और तीसरा रीजन जो है वो तीसरा रीजन ऑप्शन चेन के एनालिसिस के हिसाब से ऑप्शन राइटर बुरी तरीके से फंस चुके थे और उन्होंने अपना लॉस बुक कर लिया या फिर हेज कर दिया, इसकी वजह से बहुत बढ़िया वन साइडेड मोमेंटम यहाँ पे आपको दिखाई दिया। तो ये तीनों तरीके का जब आप कॉम्बिनेशन करोगे आपको बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यहाँ पे मिल जाता है। तो मैं ये सिंपल ऐसा ही ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मेरे खुद के अकाउंट में ट्रेड करने के लिए यूज करता हूँ, और ये जो टेलीग्राम का फ्री चैनल है यहाँ में मैं फ्री में इंट्राडे के सिग्नल्स भी देता हूँ। तो जो सिग्नल मैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ सेम सिग्नल के ऊपर मेरे खुद के अकाउंट में ट्रेड करता हूँ, और मेरे खुद के अकाउंट का रियल ट्रेड प्रूफ यहाँ पे मैंने विद द एक्सचेंज एग्जीक्यूशन ऑर्डर नंबर और स्टेटस के साथ दिखाया हुआ है। तो ये जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ये लिंक के ऊपर क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, वो कम्प्लीटली फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसी तरीके से यूट्यूब के ऊपर अपना एक एजुकेशनल चैनल है, चैनल का नाम है नयन पोखरकर प्रोफेशनल ट्रेडर। ये चैनल के ऊपर मैंने बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस ऑलरेडी डाले हुए हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करता हूँ इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, और लाइक करने के बाद शेयर कीजिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाएगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर या स्टॉक के ऊपर वीडियो बना के चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे उस टॉपिक का या स्टॉक का नाम बता दीजिए, तो मैं मेरी तरफ से वो वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।